नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल वेजिटेबल्स फार्मर्स में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर हमने करेले की खेती कर रखी है, और करेले में सबसे ख़तरनाक वायरस आता है जो पत्ती मुड़ने लगती है, पीली पड़ने लगती है। तो इसकी समस्या के लिए दवा जो हमने पिछली वीडियो में बताया था, देख सकते हैं उसका रिजल्ट काफ़ी शानदार आया हुआ है। और देख सकते हैं जो नए पौधे हैं उसमें कितनी शानदार तरीके से जो पौधे हमारे ख़राब होने वाले, देख सकते हैं उसमें कितनी अच्छी तरीके से पत्तियाँ आ रही हैं और फूल भी आ रहे हैं, और फल भी देख सकते हो किस तरीके से लग रहे हैं। तो इसीलिए किसान भाइयों, अगर आप भी इस दवा से परेशानी आ रही है आपके यहाँ, देख सकते हो किसान भाई किस तरीके से जो फल सही हो रहे हैं और जो फसल में काफ़ी अच्छी रिजल्ट मिला हुआ है। किसान भाइयों देख सकते हो कि कितनी अच्छी से सेटिंग हो रहे हैं फल, और फसल भी हमारी जो है थोड़ा ख़राब होने वाली थी, लेकिन अब देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं कितने हमने यहाँ पर कौन सी वेरायटी BSF रोजान का करेला लगाए हुए, देख सकते हैं करेले की साइज़ काफ़ी शानदार आ रही है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी करेले की खेती करते हो तो करेले में सबसे ज़्यादा खाद की मैं बात करूँ तो वाइट पोटास का आप इस्तेमाल करते रहो, या 13045 का आप हफ्ते में 1 से 2 KG डालते रहोगे, तो इससे आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और उत्पादन भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आपके फल जो है पीले होने की समस्या आ रही है, तो इसके लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करते रहो, और मैग्नीशियम सल्फेट ज़मीन में डालते रहो पौधे की जड़ों में, और पोटास उसके साथ हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करते रहो। और किसान भाइयों, इसके लिए आपको स्प्रे क्या लेना है किसान भाइयों, वो एक टॉनिक डाल सकते हो, फैंटेक प्लस आता है उसको डाल सकते हो, या कैल्शियम आपको 50 ग्राम और 25 ग्राम बोरोन का स्प्रे लेते रहना है, देख सकते हो किसान भाइयों। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और देख सकते हैं आगे तक यहाँ पर खीरा लगा हुआ था लेकिन यहाँ पर निकाल दिया है। अभी यहाँ पर टमाटो लगाने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारा टमाटो का फार्म तैयार हो चुका है नर्सरी, तो इसलिए हम टमाटो लगाएंगे यहाँ पर। और देख सकते हैं कितनी आसानी से सेटिंग हो रहे हैं फल सारे। तो किसान भाई, करेले में यही समस्या आती है कि फल पीले होने की समस्या आ रही है, पत्तियाँ पीले होने की, और फल फूल सही से सेटिंग नहीं होते। तो देख सकते हैं यहाँ पर, इसके लिए जो हमने पिछले वीडियो में दवा बता रखी है उसका इस्तेमाल करो, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बता रहा हूँ कि हमने जो दवा इस्तेमाल की हुई है रेडोमिल गोल्ड, और इसके साथ बोर्नियो लिया हुआ है और अली का, इसका देख सकते हो शानदार रिजल्ट है किसान भाइयों। और यहाँ पर देख सकते हो सारे के सारे फल क्या शानदार लग रहे हैं, और सारी फसल ख़राब होती जा रही थी, लेकिन इस दवा का रिजल्ट से हमें काफ़ी शानदार रिजल्ट मिला है किसान भाइयों। तो देख सकते हो फसल अब की बार, और देख सकते हो नई नई पत्तियाँ कितनी शानदार निकली हुई, जो पिछली पत्तियाँ थी जो देख सकते हो किस तरीके से ख़राब हो रही थी पूरी की पूरी फसल। यहाँ पर देख सकते हो पहले की पत्तियाँ हैं, जो नई निकली हुई है वो देख सकते हो ऊपर की तरफ क्या शानदार हुआ है। तो इसलिए अगर सही दवा का इस्तेमाल करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा 1 से 2 स्प्रे में ही। अगर आप सही दवा का स्प्रे नहीं कर रहे हो तो आपको समस्या देखने को मिल सकती है किसान भाइयों। आप चार जितना स्प्रे करोगे तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर सही केमिकल का इस्तेमाल करोगे तो आप चाहे सस्ती हो दवा या महंगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग हैं जो महंगी से महंगी दवा स्प्रे कर लेते हैं लेकिन उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि इसके कारण होता है कि आपका जो वायरस नहीं है उसके लिए आप दवा का इस्तेमाल करोगे तो इससे आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपके जो पौधे को दवा की ज़रूरत है अगर वही इस्तेमाल करोगे तो इससे आपको एक बार में ही रिजल्ट मिल जाएगा शानदार। बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर पूरी की पूरी फसल कितनी बेहतरीन तरीके से ग्रोथ कर रही है, और यहाँ पर पूरी की पूरी ख़त्म होने वाली थी, बस एक दवा के इस्तेमाल से ही पूरा का पूरा फार्म फिर से तैयार हो चुका है और फिर से फल आने स्टार्ट हो गए, देख सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देख सकते हैं पूरी की पूरी फसल ख़राब होने वाली थी, और अब देख सकते हो पूरा का पूरा एकदम तैयार हो चुका है करेला।